मैंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी, जिन्होंने ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी। एक समय की बात है, हमारे यहाँ एक सेवानिवृत्त कर्नल थे जो कि गांव के सरपंच भी थे। उनका नाम था सैंसोनोव अलेक्सी क्रिस्टेंटोविच, एक योद्धा जिनकी छाती पदक इनामों से भरी थी। उनके पास सब था, एक खिताब, एक पद और एक घर जैसे कि कोई महल। गांव वालों की इज्जत भी। उनके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी और वो था एक बच्चा। उनकी बीवी मारिया डेफिनोफना इसे लेकर बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन एक भविष्य बताने वाली ने उन्हें बताया कि डॉन नदी में एक जादुई मछली है, जो भी उस मछली को खाता है उसका एक बच्चा हो जाता है। अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे तीसरे दूल्हे के साथ ही शादी करनी होगी, वरना परेशान होगी। मारिया ने बेशक अपनी पति के कान भरे और उस मछली को मंगाया। कर्नल ने अपने सोल्जर्स को मछुआरे के पास भेजा। उन्होंने वहां से एक छोटा रास्ता पकड़ा ताकि मछली खराब ना हो, पर वहां एक खराब जगह थी, एक शैतानी जगह। सब सही रहा। गांव के किनारे एक विधवा रहती थी, उसे बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए जाना जाता था। सोल्जर्स ने मछली उस औरत को दे दी। उस औरत ने मछली को बड़ी ही शानदार तरीके से पकाया। मछली बहुत ही अच्छी थी, उसे कौन नहीं चखना चाहेगा। मछली काफी लाजवाब थी। मारिया को अगले दिन एक लड़की हुई। कर्नल से इंतजार नहीं हो रहा था, तभी उसी वक्त उसकी बच्ची को वहां लाया गया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कर्नल भूल ही गया कि उसे वारिस चाहिए था। भविष्य बताने वाले ने क्या बोला था ये किसी को याद ही नहीं रहा। उस विधवा खाना बनाने वाली को भी एक बच्चा हुआ, एक लड़का। यहाँ तक कि वो बिल्ली जिसने उस मछली की हड्डियां खाई थी, उसे भी एक असाधारण बच्चा हुआ। कर्नल और उसकी बीवी अपनी बेटी लिजावेटा अलेक्सीवना से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी बेटी के चारों ओर दाई, नानी और शासन रहते थे। सबसे अव्वल अध्यापक ने उसे व्यवहार, गान, नाचना और फ्रेंच सिखाई। महानता इसका नाम है और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बनी। विधवा ने अपने बेटे सत्योपका को अपने चचेरे भाई लोहार के पास भेजा। लड़का होशियार था और व्यापार में लग गया और जल्द ही लोहार बन गया और बिल्ली को अपना सहायक बना लिया। एक दिन कर्नल की बेटी ने उस खूबसूरत लोहार को देखा। जैसे ही उसने पहली नजर से उसे देखा और उसको उससे प्यार हो गया। एक युवा ने उसे आकर्षित किया, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया और एक विदेशी नवाब को निराशा मिली। लेकिन उस लड़की को तो सिर्फ लोहार ही चाहिए था। फिर एक दिन लीसा का जन्मदिन आया और क्या आप मानोगे जो हुआ, वो तीसरा दूल्हा वहां आया और उसे आकर्षित करने लगा।
दैत्यों ने पूरे गांव से अपना बदला लिया। अगली सुबह रात से भी कहीं ज्यादा काली थी, इसीलिए कर्नल ने सभी गांव वालों को प्रलय के लिए इकट्ठा किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था, सब लोग बहुत ही घबराए हुए थे। उसी समय जनरल कुरोपत्किन वहां जांच के लिए आए। वो उस नजारे को देख के मानो कि चौंक गए हो। तभी उन्होंने गांव में रुकने का सोचा। ये सब क्या हो रहा है अलेक्जेंडर क्रिसेंटोविच? हर जगह एक उगता सूरज है और यहीं पर एक काली सी रात। इन दैत्यों ने सारी रोशनी चुरा ली है। दैत्य हो या जो भी हो, यहाँ पर एक क्राइम होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। मैं आप लोगों को इनाम में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। तो बताओ फिर कौन लड़ेगा? मैं जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो क्या वो लड़की उस काबिल है? ये है मेरी लिसांका। ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पानी दो। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा और ज्यादा। हमारी रोशनी वापस करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे पुल दोनों को तोड़ के रख दूंगा। नहीं दूंगा, चलो हम लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर चलो, तुम आग हो और मैं पानी हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा। पर मेरा पुल कौन तोड़ रहा है? मैं लोहार हूँ। अभी के अभी तारे वापस करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ठंड रखो मेरे भाई, यहाँ पहले से ही ये गर्म है। तुम पत्थर में बदल जाओ और पहाड़ से जाके लुढ़क जाओ। अगर मैं गिरा तो तुम जीत गए, और अगर मैं जीता तो फिर तारे मेरे होंगे। मैं लोहार हूँ और मैं सूरज के लिए आया हूँ, मुझे लौटा दो वापस। नहीं, ऐसा नहीं दूंगा, पहले मेरे से लड़ना होगा। अरे पागल हो क्या? मैंने अभी तुम्हारे जैसे दो का मुकाबला किया है। चलो देखते हैं तुम मुझसे तेज सीटी बजा सकते हो। वाह, क्या सीटी बजाई है। चलो अब मेरी बारी, और तुम आंखें बंद कर लो वरना वो निकल के बाहर गिर जाएगी। तो ये लो मेरी सीटी। अच्छा अब ये लो एक और। ये सीटी बजाना तूने किधर से सीखा रे? बस इसी तरह। सूरज के साथ हर चीज बेहतर है। बहुत अच्छे हमारे लोहार लेके आए, हमारा सूरज अब कर दी तुमने तो हमारी रातें ही रंगीन। लेके आया हमारा लोहार हमारा सूरज चांद, अब हम मिलकर करेंगे उसकी जय जयकार। ये तो है हमारा न्यारा दुलारा सा लोहार, लेके आया हमारा सूरज चांद, जो देखो आया ये। आया आया हमारा लोहार लेके सूरज चांद, अब ये बनेगा उसका इनाम।
नायक महानायक दामाद। स्टॉप पुष्का। क्या शादी थी वो? मेहमान डॉन नदी के आसपास हर जगह से आए थे, यहाँ तक कि जनरल कुरोपत्किन भी आए थे। दुल्हन को किस करो। स्टीफन की माँ भी वहाँ थी, बेशक उनके भाई बहन, दूसरे राजकुमार और नवाब भी वहाँ आए थे। आम जनता और बाकी सब लोग वहाँ पर थे, यहाँ तक कि मेरे दादाजी के दादाजी भी वहाँ पर थे। सारा शहद और शराब पी गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। स्टीफन और लीजा वीटा सबकी दुआओं से बहुत खुश रहे, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने एक दैत्य को एक नौकर के तौर पर रखा ताकि नियम बने रहे। कभी कभी नर्क भी लोगों को डराने के काम नहीं आता।